एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है ईशा एंड आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ सेट आइविस एप्रिकॉट स्क्रब का रिव्यू, जो कि मेरा फेवरेट स्क्रब है पिछले 3 से 4 सालों से. एंड मैंने आज तक इस स्क्रब को चेंज नहीं किया है. तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू. सो दोस्तों, सेट आइविस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं इनके. तो सेट आइविस की सबसे अच्छी बात ये है कि इनके प्रोडक्ट में सल्फेट और पैराबेन नहीं होता है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होता है. तो ये जो स्क्रब है ये भी ऑयल फ्री है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है. 100% नेचुरल एक्सफोलिएटेंट्स है इसमें. सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. मेरी स्किन जो है ऑयली है तो मुझे ये स्क्रब बहुत सूट होता है. लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ड्राई स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी. एक्चुअली ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, तो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की. इसका प्राइस है देखिए 349 रुपीज़ एंड इसमें मिलता है 170 ग्राम हम लोगों को. और दोस्तों ये जो क्वांटिटी है हम लोगों को बहुत दिन चल जाता है, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में ये स्क्रब यूज़ होता है. थोड़ा सा आप लोगे बहुत ज़्यादा फैलता है. बहुत अच्छा इसमें पार्टिकल्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं. मुझे बहुत ज़्यादा माइल्ड पार्टिकल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक्सफोलिएट नहीं करता है फेस को. हाँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है तो मुझे अच्छा लगता है. और मुझे थोड़े से बड़े और ज़्यादा पार्टिकल्स अच्छे लगते हैं स्क्रब में. बहुत कम पार्टिकल्स नहीं पसंद करती हूँ मैं. तो दोस्तों बैक साइड पे इसके पूरे डिटेल्स दिए हैं. ये क्लेम करता है कि ये आपके जो स्किन है उसको डीप क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है और बहुत ही स्मूथ बना देता है. और थोड़ा सा ग्लोई भी दिखता है आपका फेस, जो कि एकदम ट्रू है. इसीलिए मैं इसको इतने साल से यूज़ कर रही हूँ. और इसमें डिटेल्स भी लिखे हैं, डायरेक्शन भी लिखा है इसको कैसे यूज़ करना है. पहले फेस को मॉइस्ट करना है वाटर से, देन उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, देन रिंस कर देना है. दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास ये टब शेप में ये स्क्रब है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. लेकिन वीडियो के लिए मैं ये वाला और एक मेरे पास रखा हुआ था ट्यूब शेप में, वो मैं दिखा रही हूँ. देखिए पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है. बिल्कुल भी ऐसा बहुत पतला नहीं है कि आप ट्रैवलिंग में उसको कहीं लेके नहीं जा सकते. आप इजीली इसको ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हो. तो देखिए दोस्तों थिक है, बहुत ज़्यादा ऐसा रनी नहीं है, बहुत क्रीमी है. तो दोस्तों आप मेरे हाथ को देख लीजिए. इस हाथ में मैं ये इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी और इस हाथ में मैं कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ और इस हाथ में मैं स्क्रब को अप्लाई करूंगी. तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए इसके स्क्रब के पार्टिकल. आई होप आप देख पा रहे हो. देखिए बहुत सारे स्क्रब के पार्टिकल है इसमें, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है. और ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल बहुत हार्श है, माइल्ड ही है आपके स्किन पे. लेकिन कभी कभी होता है ना, स्क्रब में बहुत ज़्यादा स्क्रब का पार्टिकल नहीं होता है, तो मुझे ऐसे स्क्रब अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते हैं मेरे स्किन पे. ऑयली स्किन वालों के लिए ये स्क्रब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड स्क्रब है, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन मैं ड्राई स्किन वालों को भी बोलूँगी आप लोग ये वाला एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा. दूसरी बात ये कि ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको हैंड्स पे और लेग्स पे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हैंड्स पे भी ये अच्छा रिजल्ट दे देता है. इसीलिए मैं इसको हैंड्स पे भी यूज़ करती हूँ. मैं कोई अलग से बॉडी स्क्रब नहीं परचेस करती हूँ, इसी को मैं यूज़ करती हूँ. तो ऐसे हमें लगा लेना है दोस्तों, और उसके बाद हमें ज़रा सा हाथ में पानी लेना है और उसको सर्कुलर मोशन में हम लोगों को ऐसे मसाज करना है. सर्कुलर मोशन में जब हम मसाज करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन थोड़ा ग्लो करता है कोई भी चीज़ लगाने के बाद.
ऐसे सर्कुलर मोशन में हमें मसाज करना है। इतने ज़्यादा ग्रैनुअल है, बहुत ही अच्छे से ये उसको स्क्रब कर देते हैं। स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है डेड स्किन निकालने के लिए। स्क्रब आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो मैं हफ्ते में 3 बार या 4 बार मैं स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ्रेश लगता है स्क्रब करने के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये हाथ को मैंने वॉश कर लिया है। 6 से 7 मिनट मैंने इसको मसाज किया था हाथ पे, ये स्क्रब को, और नॉर्मल पानी से ही वॉश किया है। जब आप इसको मसाज कर रहे हैं तो ठंडा पानी ले लीजिए, या फिर नॉर्मल वाटर भी चलेगा, जो रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है वो भी चलेगा, उससे आप मसाज कीजिए। और देखिए दोस्तों इफ़ेक्ट, ये कितना सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा ब्राइट लग रहा है ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ थोड़ा सा पैची लग रहा है, और ब्राइट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पैची पैची लग रहा है और ड्राई लग रहा है। और ये हाथ देखिए स्मूथ लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। सो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू सेट आइविज एप्रिकॉट स्क्रब पे। आप इसको यूज करके जरूर देखिए। ऑयली स्किन वाले प्लीज़ इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा स्क्रब है। मैंने इसीलिए आज तक इसको चेंज नहीं किया है, मेरी स्किन भी ऑयली है तो, और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ आज का अपना वीडियो, और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।